देखिए, तो टुडे वील स्टार्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक नया चैप्टर है आपका। अगेन दिस चैप्टर इज फॉर्मूला बेस्ड। आपको बेसिकली फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए ज्योमेट्रिकल फिगर्स के, तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज, अभी तक हमने पढ़ा था एरिया ऑफ सर्कल, अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स मतलब 3D फिगर्स। 3D फिगर्स मतलब जैसे क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। जैसे आपका क्यूबॉइड ये हो गया, दिस स्ट्रक्चर। क्यूब आपका जिसमें सारे लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होता है। सिलेंडर जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया, कोन ये स्ट्रक्चर हो गया, स्फीयर जैसे आपकी बॉल होती है, दिस इज बॉल्स। ये हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर, आधा स्फीयर। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, ये क्या है, 3D फिगर्स हैं। ये हमारे स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इनकी एक डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट साइज होता है। तो इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इनके डायमेंशंस के हिसाब से इनका तीन चीजें बेसिकली हमें निकालनी है, एक वॉल्यूम, एक सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया दो किस्म का होता है, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम शॉर्ट में CSA लिखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। इट इंक्लूड्स द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द फ्लैट सरफेस एरिया। अगर किसी फिगर में कर्व्ड पार्ट है, कर्व्ड मतलब जो फ्लैट नहीं है, तो उसको कर्व्ड कहेंगे। अब जैसे ये क्यूबॉइड है, इसमें कहीं भी कर्व्ड नहीं है, ये सब फ्लैट सर्फेसेज हैं इसके। क्यूब में भी सारे फ्लैट सर्फेसेज हैं। लेकिन अगर आप सिलेंडर को देखेंगे, तो सिलेंडर में क्या है, कर्व्ड भी है और फ्लैट भी है। अगर उसका ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट देखें, तो ये फ्लैट है, दीज आर फ्लैट सर्फेसेज। लेकिन इसकी जो बाकी बॉडी है वो क्या है, ये कर्व्ड है, कर्व्ड सर्फेस। तो इसमें क्या होगा, टोटल सर्फेस एरिया अलग होगा फ्रॉम कर्व्ड सर्फेस एरिया। लेकिन अगर आप क्यूबॉइड की बात करेंगे, तो इसमें कर्व्ड सर्फेस एरिया होगा ही नहीं, इसमें टोटल सर्फेस एरिया सारे फ्लैट सर्फेसेस का एरिया होगा। अब जैसे स्फीयर ले लीजिए, स्फीयर में क्या होगा, इसमें फ्लैट सर्फेस कहीं नहीं होगा, इसमें क्या होगा, सारा का सारा कर्व्ड सर्फेस एरिया होगा। तो यहाँ पे अगर आप टोटल सर्फेस एरिया बोलिए चाहे कर्व्ड सर्फेस एरिया बोलिए, बात एक ही है। लेकिन सिलेंडर में टोटल सर्फेस एरिया अलग होगा, कर्व्ड सर्फेस एरिया अलग होगा। इस केस में कर्व्ड सर्फेस एरिया होगा ही नहीं क्यूबॉइड और क्यूब में। तो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर हम लोग तीन चीजें निकालेंगे, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया में दो चीजें होंगी, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें ज्यादा कुछ हम लोग को करना नहीं है, कुछ चीजें आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हैं। तो पहला स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे इस क्यूबॉइड। नाउ क्यूबॉइड में क्या होगा, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। तो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम तो आप पढ़ ही चुके हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, इसमें टोटल सरफेस एरिया में हमारे को ये जो पार्ट होता है, ये जैसे आप अपने कमरे को समझिए, तो अगर आपका कमरा देखें तो वो क्या है, वो एक क्यूबॉइड है। तो उसकी जो चारों दीवारें होती हैं, जो वॉल्स होती हैं, ये चार वॉल्स हैं आपकी, ये वाली, तो जो चारों वॉल्स का एरिया होता है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, उसको हम लैटरल सर्फेस एरिया भी कहते हैं। तो जहां आपको लैटरल सर्फेस एरिया बोला जाए क्यूबॉइड में, तो आप समझ जाइए वो एरिया ऑफ फोर वॉल्स की बात कर रहा है। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होगा, ये वाली वॉल, इसके सामने वाली वॉल, ये वाली वॉल और इसके पीछे वाली वॉल। ना फ्लोर, फ्लोर मतलब जमीन, और सीलिंग मतलब छत, इसको नहीं इंक्लूड करते एरिया ऑफ फोर वॉल्स में। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, ये वाला आ गया, इतना ही पीछे होगा, तो लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट क्या हो गया, ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट, प्लस ये वाली जो आपकी साइड है, जो सरफेस है, ये क्या है, ब्रेथ, और ये हाइट, तो ब्रेथ इंटू हाइट, और इतने ही सामने है, तो ये भी ब्रेथ इंटू हाइट, ट्वाइस बी इंटू एच, और ट्वाइस एल इंटू एच। एच अगर कॉमन ले लें और टू भी कॉमन ले लें, तो एल प्लस बी, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है। तो अगर एरिया ऑफ फोर वॉल्स कभी भी आपसे पूछा जाए, तो आप क्या निकालिए, लैटरल सरफेस एरिया निकालिए। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में आप सीलिंग का एरिया भी लेंगे और फ्लोर का एरिया भी लेंगे। तो सीलिंग और फ्लोर का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, जितना नीचे है उतना ही ऊपर भी फ्लोर है, तो ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में हम ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ और ऐड कर देते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये आपने बहुत छोटे से याद रखा है। जो नई चीज है वो है डायगनल,
डायगनल क्या होता है? डायगनल वो लाइन होती है जो, लेट्स से वी यूज डिफरेंट कलर, लेट्स से ये पॉइंट, लेट्स से इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया और अपोजिट एंड को ज्वाइन किया, ये कहलाएगा डायगनल। दिस वुड बी द डायगनल, दिस इज द डायगनल ऑफ द क्यूबॉइड। और ऐसे ही दूसरा डायगनल क्या बन सकता है, चेक करिए ये वाला, दिस इज अगेन अ डायगनल। ऐसे ही एक डायगनल और कौन सा बन सकता है, ये वाला। और एक डायगनल क्या बन सकता है हमारा, यहां से ये वाला। तो ये चार डायगनल्स होते हैं और इन डायगनल्स की लेंथ क्या होती है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बेसिकली आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है आपका टेंथ में, ज्यादा कुछ हमको करना नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्यूब, जब हम क्यूब पढ़ेंगे, क्यूब इज अ स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड। स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड कब है, कि जब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर हो जाएं तो वो क्यूबॉइड क्यूब बन जाता है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट अगर सेम है, लेट से हमने उसकी वैल्यू मान ली ए, तो ए लेंथ है, ए ब्रेथ है और ए हाइट है। एग्जैक्टली जो क्यूबॉइड के फॉर्मूले हैं वो हम सारे यहाँ यूज करेंगे। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो यहाँ पे ए इंटू ए इंटू ए, तो क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। लैटरल सरफेस एरिया हमारा क्या था, ट्वाइस एच एल प्लस बी। अब एच बी ए है, एल बी ए है और बी बी ए है, तो क्या हो गया, टू ए इंटू ए स्क्वायर, सॉरी टू ए इंटू टू ए, तो क्या हो गया, फोर ए स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या था, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, सब जगह ए रखिए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू टू, तो थ्री ए स्क्वायर इंटू टू क्या हो जाएगा, सिक्स ए स्क्वायर। और डायगनल आपका क्या था, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर का अंडर रूट, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ गया, थ्री ए स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, तो ए रूट थ्री। ये आपका क्यूब का फॉर्मूले हो गया। तो अगर क्यूबॉइड के याद हैं तो क्यूब के तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, बस उसी फॉर्मूले में लेंथ ब्रेथ हाइट सेम रख देंगे हम। तीसरा फिगर जो हम पढ़ेंगे इस सिलेंडर, सिलेंडर क्या है, नॉर्मल लाइफ में आपने देखा होगा जार्स, बॉटल्स, पिलर्स, जो पेंसिल्स होती हैं, पाइप्स होते हैं, रोड रोलर्स होते हैं, गैस सिलेंडर्स होते हैं, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। याद रखने का तरीका क्या है इसका, याद रखने का तरीका बड़ा आसान है, नीचे का जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है एच, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ऐसे याद कर लीजिए। नाउ इस केस में आपका सरफेस एरिया जो होगा उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। रीजन बीइंग इसमें फ्लैट सरफेस भी है, देखिए ये जो टॉप पोर्शन ये फ्लैट है और ये बॉटम पोर्शन फ्लैट है, बाकी ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये कर्व्ड है। तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच। अब इसको भी याद रखना बड़ा आसान है, चेक करिए ये आपका बेस है, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर, और हाइट कितनी है एच है, तो 2 पाई आर इंटू एच। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे तो उसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन क्या दी है, कैसा सिलेंडर दिया हमारा। अगर हमारे सिलेंडर के दोनों एंड्स क्लोज्ड हैं, मतलब बंद हैं, तो हमारा क्या होगा, ये एरिया भी इंक्लूड होगा और ये एरिया भी इंक्लूड होगा। तो जो अपर और लोअर एरिया है फ्लैट सर्फेस वो तो सर्कुलर है, अगर आप टॉप से देखें तो क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखाई देगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ऊपर भी ऐड होगा, पाई आर स्क्वायर नीचे भी ऐड होगा। तो 2 पाई आर एच तो आपका कर्व्ड सरफेस था, उसमें अपर और लोअर फ्लैट सर्फेसेस जुड़ गए, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। लेकिन अगर आपका जो सिलेंडर है वो ओपन एट बोथ एंड्स है, मतलब खोखला है, ना ऊपर है फ्लैट सरफेस ना नीचे फ्लैट सरफेस है, तो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर ही होगा, क्योंकि फ्लैट सर्फेसेस है ही नहीं ऐड करने को। और तीसरा केस है कि अगर आपका एक एंड बंद है और एक एंड खुला है, मतलब या तो ऊपर फ्लैट सरफेस है नीचे नहीं है, या नीचे फ्लैट सरफेस है ऊपर नहीं है, तो बस एक ही एरिया ऐड होगा, पाई आर स्क्वायर, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। तो 2 पाई आर एच हो गया कर्व्ड सरफेस प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया जो भी एंड आपका क्लोज्ड है उसका एरिया। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि क्या आपका सिलेंडर क्लोज्ड एट बोथ एंड्स है,
ओपन एट बोथ एंड्स है या ओपन या क्लोज एट वन एंड, उस हिसाब से हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमारा 2πRh ही रहेगा। ये चीज समझ में आई क्लास? जैसे हम लोग ने एरिया ऑफ अ सर्कल में पहली क्लास में सारे फॉर्मुले समझ लिए थे, वैसे ही हम लोग पहले इसके फॉर्मुले सारे आज रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि फिर हमें बार बार उसको यूज या समझाना ना पड़े। अब देखिए, अब हम बात करेंगे हॉलो सिलेंडर की। अब हॉलो सिलेंडर का सिंपल एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपकी वाटर बॉटल्स होती हैं, वाटर बॉटल्स। अब वाटर बॉटल्स क्या होती हैं, जैसे अगर आप देखें वाटर बॉटल आपकी ऐसे होती है, ऐसे। तो अगर हम इस पोर्शन को छोड़ दें तो ये हमारा ऑलमोस्ट क्या है, सिलेंडर है ये वाला पार्ट। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसा तो है नहीं, सॉलिड है। इसमें क्या होता है, अंदर जगह होती है, इसमें आप वाटर भरते हैं। तो इस जब भी हॉलो वाले केसेस होंगे, चाहे हॉलो सिलेंडर हो, चाहे हॉलो स्फीयर हो या हॉलो कोन हो, एक चीज हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि इसमें दो तरीके के वॉल्यूम होंगे। पहला होगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। मटेरियल मतलब जिस चीज से वो बना है सिलेंडर, उसमें कितना मटेरियल लगा है, ये चीज पूछी जाएगी। या कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, कैपेसिटी मतलब कितना उसमें मटेरियल, कितना आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर ये बॉटल है तो इसमें कितना पानी आप भर सकते हैं, ये इसकी कैपेसिटी है। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मतलब इस बॉटल को बनाने में मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर। कैपेसिटी का सीधा मतलब है कि उसमें कितना मटेरियल आप स्टोर कर लोगे, कितना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पानी की बोतल है, तो पानी कितना भर पाएंगे आप इसमें, वो तो आप इस खोखले पार्ट में ही भर पाएंगे। और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या है, इस बॉटल को बनाने में मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि अगर हॉलो वाला केस है तो उसने क्या पूछा है, कैपेसिटी पूछी है या वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल तो बहुत आसान है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, मतलब बाहर वाला वॉल्यूम सिलेंडर का माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। तो बाहर का रेडियस अगर कैपिटल आर है और अंदर का रेडियस स्मॉल आर है, तो बाहर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच तो सेम रहेगा, चाहे अंदर का हाइट लें चाहे बाहर का। और इनर वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, अंदर का रेडियस आर है। अब अगर आप पाई एच को कॉमन ले लें तो क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वही हमने लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज सिंपली आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। और ये हर हॉलो ऑब्जेक्ट के लिए आपको यही करना है, अगर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पूछे तो बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर का क्या मतलब है, कैपेसिटी मतलब मटेरियल इट कैन होल्ड। अब जैसे ये है, ये इसके अंदर पानी अगर मैं भरूं तो इस पोर्शन में पानी भरा जाएगा, ये पानी है जो हम भर सकते हैं, या इसमें हम जो भी चीज भरना चाहें इतना वॉल्यूम अवेलेबल है हमारे पास। इसका वॉल्यूम क्या होगा, अगर आप सोच के देखें तो अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम ही है ये। तो जो कैपेसिटी होती है दैट इज ऑलवेज द इनर वॉल्यूम, ये ध्यान रखिए, द कैपेसिटी इज ऑलवेज द इनर वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब चाहे वो सिलेंडर लिखे चाहे स्फीयर लिखे कुछ भी लिखे, अंदर का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, अंदर वाली रेडियस, क्योंकि आप इतने ही पोर्शन में मटेरियल को भर पाएंगे। और ये वॉल्यूम क्या है, जो अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम है। ये चीज क्लियर हुई क्लास? जी सर। ठीक है, अब तीसरी चीज हमें क्या पढ़नी होती है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो हम बात कर रहे हैं दिस इज, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या होगा, चेक करिए, ये आपका सिलेंडर है और ये हॉलो है, हॉलो मतलब खोखला है, तो ये आपका हॉलो हो गया। अच्छा, सरफेस एरिया इज बेसिकली समथिंग विच यू कैन टच। कितने पोर्शन को, ऐसे सोचिए कितने पोर्शन को आप पेंट कर सकते हो। तो पेंट कहाँ करेंगे, बाहर का कर्व्ड करेंगे, फिर अंदर वाला जो खोखला पार्ट है उसको भी तो आप पेंट कर सकते हो अंदर। तो जो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, बाहर का एक्सटर्नल सरफेस एरिया और अंदर का इंटरनल सरफेस एरिया। और बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, ये अगर आपका सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है और ये बाहर वाला पार्ट है, तो ये इनर रेडियस है और ये एक्सटर्नल रेडियस है। तो बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच, और अंदर वाला कर्व सरफेस क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। एच तो सेम रहेगा चाहे अंदर वाला लें चाहे बाहर वाला पार्ट लें। तो
सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, 2πh कॉमन ले लीजिए, r प्लस आर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया आता है और फ्लैट सरफेस एरिया आता है। तो अगर आपका हॉलो सिलेंडर होगा और उसको आप टॉप से देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, आपको ये दिखाई देगा, दिस इज द हॉलो पार्ट। तो ये क्या बन गई, ये आपकी क्या बन चुकी है, एक रिंग बन गई है जिसका इनर रेडियस स्मॉल आर है और बाहर का रेडियस कैपिटल आर है, जो मैंने यहां बना के दिखाया है। तो अगर मैं कहूं कि ये वाला सरफेस क्या है, ये एरिया क्या है, ये एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रिंग। और इसका एरिया कैसे निकालेंगे, आउटर एरिया माइनस अंदर वाला माइनस कर दें, यानी पाए आर स्क्वायर बाहर का एरिया माइनस पाए स्मॉल आर स्क्वायर छोटे का एरिया। तो पाए कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये इसका एरिया आया। और ऐसा ही सरफेस एग्जैक्टली आपको बॉटम पे भी मिलेगा, ये अगर टॉप का पोर्शन है तो ऐसा ही फ्लैट सरफेस आपको सिलेंडर के बॉटम पे भी मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि बाहर वाला और अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया जो हम पहले ही निकाल चुके हैं, प्लस जो रिंग्स ऊपर और नीचे हैं उनका एरिया। तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये चीज समझ में आई आपको? यस सर। अब आइए कोन वाला केस। कोन क्या है, कोन इसके एग्जांपल्स क्या मिलते हैं डेली लाइफ में, कोनिकल टेंट्स, आइसक्रीम कोन्स, फनल्स जिसे आप कुप्पी कहते हैं, बर्थडे कैप्स, और जो आप सड़क पे जब आप जाते हैं तो आपको रेड कलर के कोन्स दिखाई देते हैं एज डिवाइडर्स, वो भी कोन ही है जिसे आप इस तरीके से देखते हैं, चेक करिए ऐसे दिखते हैं आपको, इस तरीके से सड़क पे होते हैं डिवाइड करने के लिए, ये सब एग्जांपल्स हैं कोन के। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, इसमें एक चीज ये होती है कि ये जो लेंथ होती है, ये वाली लेंथ, ये जो वर्टिकल लेंथ है इसे हम कहते हैं हाइट, और ये जो स्लांट है ये इसे कहते हैं स्लांट हाइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में स्लांट हाइट बोल रहा है कि हाइट बोल रहा है, हाइट बोलेगा तो एच यूज करेंगे, स्लांट हाइट बोलेगा तो एल यूज करेंगे। और ऑब्वियसली ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, एच एल और आर को कोरिलेट कर देंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब अगर हमें दो वेरिएबल्स पता है तो तीसरा वेरिएबल हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया देखिए, कर्व्ड मतलब ये वाला पार्ट, देखिए ये वाला पार्ट जो है ये होगा पाई आर एल, और एल की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो या तो आप पाई आर एल यूज करिए अगर एल पता है, नहीं तो एच और आर पता है तो एल निकाल लीजिए इस फॉर्मूले से और पाई आर एल यूज कर लीजिए। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया तभी आपका इन्वॉल्व होगा जब ये सॉलिड हो, मतलब ये नीचे से जो कोन है वो बंद हो, ये वाला एरिया भी इंक्लूड हो हमारा। तो नीचे वाले पोर्शन को अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, एक सर्कल है। तो जो इस सर्कल है इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये चीज समझ में आई क्लास? जी सर। लेकिन एक लेकिन लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोनिकल टेंट दिया है, इन मोस्ट क्वेश्चंस यू विल बी गिवन कोनिकल टेंट्स, तो अगर कोनिकल टेंट होगा तो हमेशा ध्यान रखिए कोनिकल टेंट तो कपड़े से बनता है, तो जो कपड़ा आप बनाते हैं टेंट में उसमें कभी भी बेस पे कपड़ा नहीं आप गोल बनाते हो। तो जब भी कोनिकल टेंट होगा तो टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, आप नीचे वाला बेस नहीं लेंगे, क्योंकि आप जब भी टेंट बनाते हैं तो जमीन पे कपड़ा नहीं बिछाते हैं। टेंट बनाने के लिए कितना इस्तेमाल होता है, जो कर्व्ड सरफेस ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, इन इफ कोनिकल टेंट इज गिवन, कोनिकल टेंट इज गिवन, यूज TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया एस पाई आर एल, अनलेस स्टेटेड मतलब अगर वो कहे कि हमने जो टेंट बनाया उसमें बेस पे भी कपड़ा बिछाया तब तो आप यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर, नहीं तो कोनिकल टेंट के केस में खाली कर्व्ड सरफेस एरिया ही यूज करेंगे टोटल सरफेस एरिया में, ठीक है। लास्ट केस देखते हैं। हाँ सर,
अगर देखिए सर, कोन में हम लोग उसका सब वॉल्यूम निकालेंगे जो मटेरियल सर यूज हुआ है बनाने में से, तो उसे क्या करेंगे? वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो वॉल्यूम तो चाहे वो खोखला हो और चाहे वो सॉलिड हो, वॉल्यूम तो पूरी जगह यही आएगा बार बार, पाई 1/3 पाई r² है वॉल्यूम, जगह होती है। और सरफेस एरिया, अब जब आप टेंट बनाएंगे तो कपड़ा कहाँ बिछाए? अच्छा, हॉलो में मटेरियल जो सबका सही यूज होगा अंदर, नहीं तो हॉलो होगा। अगर नहीं उसका आप, आपके सिलेबस में नहीं है, दैट इज अ टफ केस, दैट इज अ टफ केस। वैसे तो आप सीधा सीधा ये कर सकते हैं कि अगर आपको हॉलो कोन दे रखा है तो उसके अंदर का रेडियस, बाहर का रेडियस, अंदर की हाइट, बाहर की हाइट, ये चारों चीजें पता हो तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम आप कर देंगे। जो आप, अगर आपको कहते हैं लेट से ये आपका कोन है और ये यहाँ पे कुछ इस किस्म से बनाया हॉलो कोन, तो अगर आपको ये देखिए ये इन अंदर की हाइट हो गई, ये टोटल बाहर वाली हाइट हो गई, ये स्मॉल रेडियस अंदर का रेडियस हो गया, ये कैपिटल आर बाहर का रेडियस हो गया। तो अगर ये मटेरियल निकालना है तो आप सीधे क्या कर दीजिए, 1/3 पाए r² × h बाहर का वॉल्यूम माइनस 1/3 पाए r² × h छोटे वाले, ये आपको वॉल्यूम ऑफ मटेरियल दे देगा। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हमेशा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, इसमें कोई भी वो नहीं है, इफ एंड बट नहीं है, हमेशा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। लेकिन ये आपके सिलेबस में हॉलो कोन वाला जनरली है नहीं, एक आध सवाल है वो, पर उसमें वॉल्यूम नहीं उन्होंने करवाए। ओके सर, अब आइए लास्ट केस हमारा स्फीयर वाला। स्फीयर में मतलब स्फीयर के प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल्स क्या है, जैसे फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, क्रिकेट बॉल हो गया। अब देखने वाली बात, जैसे टेनिस बॉल हो गया, अब इनमें दो केसेस हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे आप क्रिकेट बॉल लेते हैं तो वो पूरी सॉलिड होती है, अंदर कॉर्क भरा होता है, ऐसे ही टेनिस बॉल लेते हैं तो क्या होता है, वो खोखली होती है, अगर आप उसे काट दें तो अंदर से खोखली निकलती है। लेकिन अगर मैं कहूँ वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम दोनों का सेम ही होगा, 4/3 पाई r³, क्योंकि जगह तो उतनी ही घेर रहे हैं, चाहे अंदर से वो खाली हो चाहे अंदर से भरी हो, वॉल्यूम तो वो उतनी ही लेगा। तो चाहे हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, वॉल्यूम विल ऑलवेज बी 4/3 पाई r³। अगर पूरी पूरी हमारा स्फीयर है तो वॉल्यूम 4/3 पाई r³ रहेगा, क्योंकि जगह तो उसने 4/3 पाई r³ ही ली है, अंदर वो खाली है भरा, उससे हमें तो मतलब है नहीं। और इस केस में टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसमें फ्लैट सरफेस है ही नहीं, सब तरफ कर्व्ड है। तो यहाँ पे अगर कोई आपसे कहे कंफ्यूज करने के लिए कि टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही बताएंगे। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4π r². इसमें भी ध्यान रखिएगा कि चाहे ये खोखला हो हॉलो और चाहे ये सॉलिड हो, आप अगर पेंट करेंगे तो आप तो सरफेस पे पेंट करेंगे ना, बाहर वाले सरफेस पे, बाहर वाला सरफेस तो 4π r² ही रहेगा, अंदर चाहे वो खोखला है चाहे नहीं उससे तो कोई मतलब ही नहीं आपको। तो ये ध्यान रखिएगा कि चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, उसका वॉल्यूम यही रहेगा। लेकिन हॉलो स्फीयर में एक चीज होगी कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पूछेगा, हॉलो स्फीयर में वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अगर पूछा उसने तो आप क्या कहेंगे, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। और आउटर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाए r³ - 4/3 पाए r³। अभी हम लोग आगे करेंगे, लेकिन अगर कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर सॉलिड हो या हॉलो स्फीयर हो, वॉल्यूम उसका वही रहेगा, अनलेस एंड अंटिल उसने आपको इनर रेडियस भी दे रखी हो। अगर इनर रेडियस दे रखी है तो फिर हम अलग अलग बात कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या है, कैपेसिटी क्या है। लेकिन अगर उसने जो इनर रेडियस है वो नेग्लिजिबल दी है तो फिर वॉल्यूम 4/3 पाई r³ ही रहेगा, चाहे वो सॉलिड हो चाहे हॉलो हो। इसका जो सेकेंड केस है वो ये देखिए कि सपोज हमारे पास सॉलिड स्फीयर था, जैसे क्रिकेट बॉल है वो सॉलिड होती है, उसको आपने हाफ काट दिया बीच में से, ऐसे काट दिया, तो अगर आप काट देंगे तो सिर्फ इतना ही दिखेगा आपको दिस पोर्शन, लेकिन ये पूरी सॉलिड है, ये पूरा भरा हुआ है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, जितना टोटल वॉल्यूम था उसका आधा कर दिया, 4/3 पाई r³ था उसका हाफ कर दिया, तो कितना हो गया, 2/3 पाई r³। इसका कर्व्ड सरफेस क्या होगा, 4π r² पूरी बॉल का था ये, उसको आपने आधा कर दिया तो कर्व्ड पार्ट तो बस यही रह गया बाहर वाला, तो क्या हो गया, 2π r² हो गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप बॉल को हाफ कर दोगे तो फिर चेक करिए फ्लैट सरफेस आ जाएगा, क्योंकि बॉल तो
सॉलिड है, ये फ्लैट सरफेस आपको दिख रहा है, तो अब क्या होगा, ये जो फ्लैट सरफेस है ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये ऊपर का फ्लैट सरफेस आया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या था, 2πr² और ऊपर का फ्लैट सरफेस कितना आया, πr², तो मिला के क्या हो गया, 3πr². ये चीज समझ में आई क्लास? नेक्स्ट केस, लास्ट केस देखते हैं, हॉलो स्फीयर। अब देखिए, अभी मैंने बात की थी ना कि हॉलो स्फीयर है कि सॉलिड स्फीयर है। अगर हॉलो स्फीयर है, मतलब जैसे टेनिस बॉल वाला केस ले लीजिए, टेनिस बॉल, उसको अगर आप कभी भी काटते हैं तो अंदर से वो खोखली होती है, लेकिन उसकी कुछ विड्थ होती है, विड्थ मतलब उसकी मोटान होती है मटेरियल की। तो अगर उसने वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पूछा तो आपको पता है आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, अंदर की रेडियस अगर आर है और बाहर की रेडियस कैपिटल आर है, तो बाहर का वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3πr³, और अंदर का वॉल्यूम 4/3πr³। तो 4/3π कॉमन ले लीजिए, r³ - r³। लेकिन फिर से सुनिए, अगर r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r, मतलब उसकी थिकनेस, थिकनेस क्या होगी, थिकनेस तो ये होती है, ये थिकनेस क्या होगी, r - r, बड़े r में से छोटा r माइनस कर दें तो ये थिकनेस मिल जाएगी। तो अगर थिकनेस नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत पतला है वो, तो फिर चाहे वो हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, 4/3πR³ ही वॉल्यूम होगा। लेकिन अगर उसकी थिकनेस है, अंदर वाले और बाहर वाले में डिफरेंस है, तो हम वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकाल सकते हैं। अच्छा, कैपेसिटी क्या होगी इसकी, अगर मैं कहूँ कि इसमें हमें पानी भरना है, लेट से हमने यहाँ पे एक चेक कर दिया और यहाँ पे हम पानी भरेंगे, तो ये पानी तो अंदर वाले ही वॉल्यूम में भरा जा सकता है, तो कैपेसिटी वुड बी इनर वॉल्यूम 4/3πR³। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो सेम ही रहेगा, बाहर वाला सरफेस दिखेगा बस आपको, ये वाला, और इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4πR², अंदर वाला तो आप छू ही नहीं पाओगे, तो बाहर वाला सरफेस एरिया क्या होगा, 4πR². ये चीज समझ में आई क्लास? यस सर। ठीक, यस सर। अब बस ये लास्ट केस देखते हैं इसी का। अब हम आ गए हॉलो हेमिस्फीयर पे, मतलब हमारा हॉलो स्फीयर था, टेनिस बॉल थी, टेनिस बॉल आपकी ऐसे थी, उसको आपने आधा काट दिया बीच में से, लेट से यू हैव ब्रोकन दिस, और जब आप इसको रिमूव करोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये ऐसी दिखाई देगी बॉल। ठीक, अब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। पहले ऑब्वियसली ये हॉलो है, अंदर की रेडियस स्मॉल आर है और बाहर की रेडियस कैपिटल आर है, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, मतलब इस बॉल को बनाने में कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, तो बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम, बाहर का वॉल्यूम क्या होगा, 2/3πR³, क्योंकि हेमिस्फीयर है इसलिए आधा कर दिया, -2/3πr³, क्योंकि अंदर का भी जो वॉल्यूम है वो क्या है, आधा है स्फीयर का, तो 2/3π कॉमन, r³ - r³। कैपेसिटी क्या होगी, कितना पानी भर सकते हैं, लेट से यहाँ पे ही भर पाएंगे अंदर वाले पोर्शन में, जो अंदर की वॉल्यूम है, अंदर का वॉल्यूम क्या है, 2/3πr³। अब आइए कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस में क्या होगा, ये आपका जैसे ये देखिए, ये बॉल है, ठीक है, ये आपका हॉलो पार्ट है, तो बाहर वाले कर्व्ड को भी आप पेंट कर सकते हो, और जो अंदर वाला खोखला पार्ट है, ये वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट, इसको भी पेंट कर लेंगे, और दोनों किस फॉर्म में है, हेमिस्फीयर के फॉर्म में। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस, 2πr², तो अंदर का 2πr² और बाहर का 2πr², तो दोनों को अगर 2π कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, r² + r². अब इम्पॉर्टेंट है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो ऐड होता ही है, प्लस फ्लैट सरफेस ऐड होता है, तो अगर आप इस बॉल को देखेंगे तो ये वाला पार्ट आपको ऊपर से क्या दिखाई देगा, आपको एक रिंग दिखाई देगी जिसमें अंदर का रेडियस आर है और बाहर का रेडियस कैपिटल आर है, तो ये वाला एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रिंग होता है, एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, πr² - r², बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया, तो ये फ्लैट सरफेस का एरिया आपका और ऐड हो जाएगा, किस में ऐड हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया में, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था, 2πr² + r². क्लास ये समझ में आया? जी सर। तो सबसे पहली चीज है, यू हैव टू लर्न दीज बाय हार्ट, ये अगर आप याद नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी आपको,
और अगर याद है तो बहुत जल्दी क्वेश्चंस आपके खत्म होंगे इसके। तो आज मैं सिर्फ इसको आपको इंट्रो दिया है, फॉर्मूले लिस्ट दे दी है मैंने आपको, आप बस इसे याद अच्छे से कर...